हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु पर। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए T20 DI सेशन, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक DI और कुछ अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम्स है उनका कंसेप्चुअल के साथ साथ जो ट्रिकी मेथड है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले IBPS और SBI के जो मेंस का असिस्टेंट मेंस का एग्जाम आएगा, PO का नोटिफिकेशन आना बाकी है अभी, RRB के एग्जाम भी, क्योंकि DI जैसे ही फ्रेंड्स हम कर लेते हैं अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाता है, अटेम्प्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आज मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट बेस्ड DI भी सोल्व करवाऊंगा, जो मिसिंग DI है बेसिकली। मिसिंग DI थोड़ा टफ पड़ता है, डाटा हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन और परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का T20 DI सेशन, जिसके अंदर ये एक DI दिया हुआ टेबुलर फॉर्म, जिसके अंदर एक क्वेश्चन में जैसे हम करते हैं ना, एक पेपर में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने मार्क्स हैं, राइट एंड रॉन्ग का पूछा जाता है। तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, ये हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें तो यहाँ क्या राइट के लिए 1 मार्क्स दिया हुआ है एंड रॉन्ग के लिए 1.25 मार्क्स, 1/4, मतलब 1/4 क्या करा है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये 5 स्टूडेंट है, टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट है, 100, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टोटल राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट टुगेदर एंड टोटल रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। रॉन्ग एंड राइट के जो टोटल क्वेश्चंस है वो हमें, ये अटेम्प्ट इसका 78 है, देखिए इसका 78 अटेम्प्ट है। फर्स्ट आपका कितना है, 78 अटेम्प्ट है और उसका 70.5 क्या है मेरे पास में, ऑप्टेन मार्क्स है। तो राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने होंगे। अब फ्रेंड सीधा सा कंसेप्ट है, देखो 70.5 अगर उसने अटेम्प्ट किया है, 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मार्क्स 70.5 आए हैं, तो ऑब्वियस बात है उसने मिनिमम, देखो आपका कुछ ना कुछ जितना 71 तो अटेम्प्ट किया ही होगा, तभी तो कुछ मिनिमम आएगा। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से जा सकते हैं 71। अब 71 अगर अटेम्प्ट किया होगा तो 7 क्या होगा मेरा जाएगा, 7 × 1/4 करूं तो कितना होगा, समथिंग कितना जाएगा, 1 point something जा रहा है, नहीं तो हम 72 and 6 का कॉम्बिनेशन ले, तो 72 अगर मेरे राइट हो और 6 रॉन्ग हो तो क्या होगा, × 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 आ रहा है मेरा, तो 72 में से 1.5 तो 70 point, तो इसके राइट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 72 एंड इसके रॉन्ग कितने हो जाएंगे 6। ऐसे हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अब जब यहाँ हमारे पास में देखो इसका 92 and 76 दे रखा है, वो भी कर सकते थे हम सारे क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करें। इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट रहता है वो कैसे रहता है कि सारे क्वेश्चन जो 78 अगर रॉन्ग राइट अटेम्प्ट करता तो उसके मार्क्स आते 78 और सारे रॉन्ग करता तो −78 × 1/4 इतने मार्क्स आते। कंसेप्ट यही कहता है 78 × −78/1/4 और इसके एवरेज कितने आए 70.5, ठीक है। अब मिक्सर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट लगाएं, इसको हम सोल्व करें, इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा देखो 7.5 डिफरेंस रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो कितना आएगा 78/1/4, तो 4 × 1 = 4, ठीक है। देन 38 रिमेनिंग है, 4 × 9 = 36, फिर 19.5 आपके आ जाएगा माइनस का। अब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 75 और माइनस का 19.5 कितना डिफरेंस रहेगा, 90 डिफरेंस आ जाएगा। अब इनको हम सोल्व करेंगे, 7 point रेशियो क्या आ गया, राइट क्वेश्चन 90 है और ये 7.5 है, अगर इसको सोल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 900 ratio 75। इसको आप सोल्व कर लो, 5 × 3 = 25 अगर हम कट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, 7.5 यहाँ आ जाएगा। अब ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टोटल 72 एंड 6 आपका क्या है, राइट आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट 78। यहां मेरे पास में देखो अब 25 से कट करेंगे तो 3, अब इसको हम कट करेंगे 25 से, 25 × 3 = 75 15, फिर क्या आ जाएगा 25 and 6। अब ये देखो 36 + 39 टोटल क्वेश्चन नंबर 39 हो गए, जबकि मेरे 78 है, तो ये कितने 6 हो जाएंगे और 72 हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट रहता है, हम जनरल अर्थमेटिक प्रॉब्लम में इसको सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 72 and 6। अब अगर हम देखें देखो 92 and 76 इसको अगर आपको सोल्व करना हो तो हम क्या, हमें क्या करना होगा, ये मैं रफ कर देता हूं यहां से पहले, ये कितना है 72 and 6। अब 76 आया, अब वही हमें कंसेप्ट लगाना होगा, देखो 92 प्लस करा माइनस करा तो 76 उसने राइट अटेम्प्ट किए, तो यहां तो डायरेक्टली हम निकाल देंगे, 16 क्या आ जाएगा आपके
रॉन्ग अटेम्प्ट आ जाएगा। यहाँ 98 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 62, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 56 है और एवरेज नंबर 53.5 है, तो इसमें भी हम कर सकते हैं, देखो वही 54 एंड 2 का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, वही 53 मार्क्स आए हैं तो 54 क्वेश्चन तो उसने अटेम्प्ट करे होंगे, तब भी तो कुछ माइनस होगा। अब 54 एंड 2 का ये हमें देखना पड़ेगा कि कहां हमें कंसेप्ट लगाना और कहां हमारा डायरेक्ट हो रहा है। अब 54 इंटू 2, 2 क्वेश्चन रॉन्ग है तो 0.5 कट होगा, तो यहाँ 54 एंड 2 यही हमारा टाइम सेव करता है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी जो ट्रिक है वो कहां यूज होगी। अब यहाँ देखो ये वाले क्वेश्चन में अगर हम वो ट्रिक से करते तो थोड़ा सा टाइम लगता है, जबकि 72.6 हमारा कॉम्बिनेशन है, 54.2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब यहाँ देखिए राइट क्वेश्चन उसने 30 किए हैं और मार्क्स उसके 27.5 आए हैं, ठीक है ना। अब देखो 30 अगर 30 से 27.5 आए हैं तो कितने कम हुए हैं, देखो 0.25 देन कितने मार्क्स कम हुए 0.75, तो इधर कट हो गए एंड 2.75 एंड 2.75 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियस बात है 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा ये 2.75 का, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8 + 3 = 11, तो 11 क्वेश्चन अपने क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना आ जाएगा 41, क्योंकि 30 मेरे मार्क्स आए हैं, 30 राइट आने चाहिए थे जब मेरे 27.5 आए हैं, 2.75 मेरे मार्क्स कट हो गए हैं, और एक क्वेश्चन पे कितना 0.25 कट होता है, तो 0.25 से डिवाइड भी कर सकते हैं 11 से, आप क्या करोगे 11 आ जाएगा, तो 30। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे हम, तो टोटल अगर इनका सम करें हम, ठीक है ना, तो टोटल उसने बोला अब इनको निकाल दो यहां से, इनका डिफरेंस कितना है देखो 70, इनका डिफरेंस कितना आएगा 66, इनका डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा 60, इनके डिफरेंस की बात करें तो 26, इनका डिफरेंस आएगा तो 19, इनका डिफरेंस आएगा तो 52। अगर इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या आएगा 223, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल टोटल राइट क्वेश्चंस एंड टोटल रॉन्ग नंबर्स, ऐसे हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करें मार्क्स ऑप्टेन बाय आदित्य एंड पुष्कर, अगर आदित्य एंड पुष्कर की बात कर रहा है इज व्हाट परसेंट। अब देखो इसके हमारे पास में डाटा हमारे पास में पता है 72 एंड 6 है और यहां मेरे पास में 16 है, तो इसके मार्क्स कितने आएंगे, देखो इसके मार्क्स आएंगे 16 1/4, 16 को इंटू 1/4 हम कट कर दें तो 4 कट हो जाएगा, 72 मार्क्स आएंगे, ठीक है। वो कह रहा है आदित्य एंड पुष्कर के जो मार्क्स हैं, ठीक है ना, आदित्य एंड पुष्कर के मार्क्स कितने हो गए 172.5 एंड 72.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय अंशुमन अविनाश एंड अलका, इन तीनों का कितना परसेंटेज है। तो इसके कितने क्वेश्चन थे अपने, यहाँ अपने क्वेश्चंस कितने थे देखो 62 थे, यहाँ अपने 11 आए थे, तो यहाँ टोटल नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट 41 आ गया था, यहाँ 54 एंड 2 का कॉम्बिनेशन था, तो इसके मार्क्स हमें निकालने पड़ेंगे। इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 62 से 9 जाएगा तो 53 अपना क्या हो जाएगा कट हो जाएगा 53, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 53 27.25 एंड 53.50, ये 0.75 आ जाएगा, यहां से 336.713 कैरी वन हो जाएगा 5 5 10 एंड देन 133.75 इनके 142.5, ठीक है ना। अब देखो ये 142.5 हैं, ये 133.75 का कितना परसेंटेज होगा, इससे 100 से ज्यादा है तो 90 वाला ऑप्शन तो अपने क्या हो जाएंगे डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएंगे। अब देखो 133 से ऊपर कितना है अराउंड, ये मेरे पास में 8 तो मैं मान के चलूं, पॉइंट को मैं निकाल देता हूं, तो मेरा अगर देखो 101.2% की बात करूं, 133 का 1% कितना होगा 1.33, 2% की बात करूं तो 2.66, तो ये मेरा 1.7% 2.66 से कम होगा, जबकि मुझे 8 समथिंग जानना है तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 106.54%। ऐसे क्वेश्चंस में हमें निकालने की जरूरत नहीं है जहां नन ऑफ दीज नहीं दे रखा, हम सिर्फ ऑप्शन से जाते हैं। यहाँ 1% अगर मैं इसका इंक्रीज करता हूं तो 1.33 इंक्रीज होगा, तो इसमें 1.33 आप एड भी करोगे तो कितना आएगा 135.0, वापिस ऐड करेंगे तो कितना आएगा 137 आ जाएगा ज्यादा ज्यादा, बट हमें 142 पॉइंट समथिंग जानना था, तो हमारा 106.54 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द पेनल्टी ऑफ द रॉन्ग आंसर इज 1/3, पेनल्टी 0.33 मतलब 1/3, देन मार्क्स ऑप्टेन बाई आदित्य अंशुमन एंड पुष्कर, इन तीनों के कितना है मार्क्स, तो 78 अपना 72 एंड 6 था, इसका अपना कितना था 2 एंड 62 था, ठीक है ना, 62 था, यहाँ मेरे पास में कितने थे 16 थे,
ये कर रहे हैं, आप टोटल को ऐड कर लो, इन तीनों का चाहिए ना आपको, इन तीनों का ऐड कर लें। देखो 6 4 10 की 0 हो जाएगा, अगेन कैरी 1 हो जाएगा, 7 7 4 21, 210 राइट क्वेश्चन हो जाएंगे, रॉन्ग कितने होंगे 58, तो -1/3। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, माइनस कर सकते हैं इसको, तो इसका अगर हम कट करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3, 2 कैरी होगा 29, ठीक है ना, 19 57 1, 19 1/3, ठीक है। तो 19 1/3 की बात करें तो 1/3 जैसा भी हम मान के चले, तो इसमें से अराउंड मैं 20 माइनस करूं तो कितना आएगा 190 आएगा एंड 2/3, तो 190 का अपना ऑप्शन ए ही है, या 198.6, मतलब ये 1/3 आना चाहिए था अपना, 2/3 आना चाहिए था, बट अपना 190.86 है, ये 66 होगा यहाँ पे, तो 190.66 ऑप्शन डायरेक्टली आ गया। बस निकालने के बाद में हमें डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द परसेंटेज, इफ द पासिंग परसेंटेज मार्क्स इन द एग्जाम इज 50 मार्क्स, अगर परसेंटेज 50 है, 50% मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं, देन एटलीस्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस हैड टू बी आंसर्ड बाय पुष्कर, पुष्कर के द्वारा, पुष्कर ही अटेम्प्टेड 92 क्वेश्चंस, उसने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं आंसर राइट बाय द पुष्कर, पुष्कर के द्वारा कितने क्वेश्चन मिनिमम राइट होने चाहिए, वो बोल रहा है कि पुष्कर के द्वारा कितने क्वेश्चन राइट होने चाहिए। अब पुष्कर ने देखो 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सबसे पहले, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन मेथड पे अगर हम जाएं तो सबसे बेस्ट रहता है, अगर वो 58 मान लो 58 करता है, ठीक है ना, 50% पासिंग मार्क्स है, 50% पासिंग मार्क्स, मतलब उसके 50 मार्क्स तो आने ही चाहिए, ठीक है ना, पर 58 अगर राइट करता है तो रिमेनिंग कितने रहे, 58 92 में से निकाल दो तो 34 मेरे क्या हो जाएंगे, 34 क्या हो गए आपके, नेगेटिव हो जाएंगे, 34 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो 8. कितना आएगा, 8.5 आएगा, तो 58 में से 8.5 मतलब 50, तो मिनिमम हमें 58 से ऊपर तो राइट करने पड़े, जब 58 से मेरे 50 मार्क्स नहीं आ रहे तो मुझे 58 से ऊपर करना पड़ेगा, तो 58 ऑप्शन गलत हो गया, 56 गलत हो गया, 55 गलत हो गया। अब 59 एंड 60 की बात करें तो यहां मेरे पास में दो मिनिमम पूछा उसने, 60 एंड 32, 60 अगर सही करता है तो 32 रॉन्ग होंगे 8 मार्क्स, तो 60 मतलब 52 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं 59 पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा, बिकॉज ही आस्क्ड दैट कि मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट, 59 तो कितना होगा 31 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 7 28 3/4, ठीक है ना, 7 से 3/4, ठीक है। तो अब देखो 59 से 7 7 3 कितना कटेंगे, 51, 8 करोगे 1/4, 51/4 क्या हो जाएंगे आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो मिनिमम 58 पे जबकि नहीं आ रहे थे तो मतलब मिनिमम 59 उसको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे पास होने के लिए, तो अपना ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, 59 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर, उन सबके द्वारा कितने परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, तो निकाल लेते हैं, 72 6 था, यहां 16 था, यहां 62, यहां 11 था, और यहां हमने 54 एंड 2 फाइंड आउट किया था, तो इसके मार्क्स कितने आए थे, वो मार्क्स भी हमने निकाले हैं पीछे के क्वेश्चंस में, 72 एंड 72 यहां आए थे, इसको 1/4 से अगर हम मल्टीप्लाई, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं जहां हमें चाहिए, यहां 72 आए थे, बिकॉज इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कट हो जाएगा, इसको 1/4 से करोगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहां 53 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो तो 52, देखो यहां तो कितना होगा 550 एंड 0.25, तो मतलब 0.25, एक अगर मेरा कैरी हो जाएगा तो 1 2 3 3 6 6 और 7 13 और 3 6 16, अगेन 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 7 7 14 14 एंड 5 19 एंड 1 20 20 एंड 5 25 एंड 2 27, 276.25, टोटल मार्क्स कितने 500, 5 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी रह गया 6, 5 5 जा 25, अगेन 1 कैरी रह गया, पॉइंट लग जाएगा, 1 कैरी रहेगा, 5 2 जा 55.25, तो 55.25 जो अपना राइट आंसर रहेगा, 55.25%। तो देखो फ्रेंड, मिसिंग डीआई हो
चाहे कौन सा भी कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक का लगा हो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर किए। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, तो क्वेश्चन के लिए मैंने सबसे पहले वाले में बताया था आपको कैसे करना है। आपको पूरा चेक कर लेना है कि एक बार अटेम्प्ट करेगा राइट और एक बार रॉन्ग करेगा, सारे रॉन्ग करेगा और बीच में एवरेज हम ले लेते हैं, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन राइट एंड रॉन्ग का क्या हो जाता है आपके पास में रेशियो आ जाता है, फिर हम क्या कर सकते हैं उस रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका मिसिंग डीआई था, बहुत आसानी से आप कर सकते हो मिसिंग डीआई को। मिसिंग डीआई देखने में हार्ड लगता है बट हम जब उसको अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत इजी रहता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, आज जो मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो कुछ परसेंटेज के मिक्सर एलिगेशन के मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 5-6 जो हम मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। अगर एक छात्र को पास होने के लिए कुल 33% अंक प्राप्त करना था, मतलब ये पास का लाइन है वहां 33% चाहिए उसको, जबकि उन्होंने 125 अंक, उसके आए कितने 125 और वो है 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब 40 नंबर जो पासिंग मार्क्स है ये पासिंग मार्क्स हो गया। ऐसे ही करेंगे इसको तो 125 और 40 और चाहिए, मतलब 165 अगर उसके मार्क्स आते तो 33% और वो पास हो जाता, तो 165 किसको 33% को बताता है। तो अधिकतम अंक, अधिकतम के अंक कितने होते हैं 100, तो इसको 33 से कट करोगे 5 टाइम 100 × 5 500। दीज आर द वर्बल क्वेश्चन, आप डायरेक्टली कर सकते हो 33/125+40 = 165 5500। ऐसा हमें देखते हुए करना पड़ेगा, अब मैं आपको बता रहा हूं तो हमें लिखना पड़ता है, बट आप सीधा ए ऑप्शन लगाए 500 और राइट हो गया आपका। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये, परसेंटेज अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो आपके अर्थमेटिक के 4 से 5 टॉपिक बहुत इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट है मिक्सर एंड, इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये बहुत प्रॉब्लम करता है। देखो मैं आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट लेकर के आया हूं, आर मेथड है। आर मेथड बहुत आसान है जिसमें अंदर कुछ भी नहीं करना है आपको। अब देखो ये कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी, दूध ये मिल्क है ये वाटर है। फ्रेंड्स अच्छे से करिएगा, ये आप नोट कर लिया ना, बहुत अच्छी ट्रिक मैंने अपने आप से फॉर्म की आप लोगों के लिए, जिसमें 20% पानी है, वाटर 20% है और ये 80 होगा, ऑब्वियस बात है। तो रेशियो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, मतलब हमें रेशियो दिया होता है किसी भी क्वांटिटी का इनिशियली, मिक्स मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया 4:1। अब कह रहा 20 लीटर, इसमें से हमें देखो लिखते जाना -20 लीटर, मैंने लिखा वैसे ही, आप लोग हमेशा ध्यान रखना 20 लीटर लिखा। मिश्रण को बाहर निकाला गया और पानी से बदल दिया गया, तो यहां वाटर को लिया गया प्लस, लिख लो प्लस 20, तो रेशियो कितना बन गया 12:13। यहां मैं लिख देता हूं 12:13 और यहां -20, मिक्सर निकाला और वाटर क्या किया उसने +20 ऐड कर दिया, ठीक है ना, वाटर क्या कर दिया +20 ऐड कर दिया। अब हमेशा ध्यान में रखना, ये एज वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था ये एक आर फॉर्म होता है, ये आर इनकम एक्सपेंडिचर में भी काम होता है, ये जो आर फॉर्म हो रहा है आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस निकालना है। तो मतलब इसका इससे करना है, मतलब वाटर का जो नया रेशियो है उसका मिल्क की क्वांटिटी से, और जो वाटर सॉरी मिल्क का रेशियो है उसका वाटर का जो रेशियो क्वांटिटी था उससे। तो 13/52, यहां मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं 13×4 − 12×1, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 40, ठीक है, ये 40 डिफरेंस आएगा। मैं इसको एक मिनट रफ कर देता हूं जो आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ये बहुत अच्छी ट्रिक्स मैंने मिक्सर एलिगेशन के लिए फॉर्म की है, जिससे मिक्सर एलिगेशन के सारे क्वेश्चंस कैसा भी हो सोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। ये 40 लिया, अब ये जो डिफरेंस आया है फ्रेंड्स, है ना, जो डिफरेंस आया है इसको क्या करना है, इक्वेट करना है अपने को 40, ठीक है ना। तो मतलब यहां देखो वाटर मिलाया था, उसको इक्वेट किससे करना है जो मिलाया नहीं है, है ना, ये 20 तो लेना ही है आपको, साथ में क्या लेना है, ये जितनी क्वांटिटी मिलाई है वो, एंड जो नया रेशियो बना है ना जिसको नहीं मिलाया है, जिसको नहीं मिलाया। तो यहां हमारे पास में देखो 20 मिलाया था, या फिर कह सकते हैं 20 जो निकाला है, जितना भी क्वांटिटी निकालना है उतना ही क्या करते हैं मिक्सर में मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद में 20 इंटू जिसको नहीं मिला है, वाटर को नहीं मिलाया था, तो वाटर का रेशियो कितना है 12, न्यू रेशियो, जिसको नहीं मिलाया है उसका न्यू रेशियो, ठीक है, 40 = 20 × 12। अब इसको एक यूनिट का वैल्यू निकाल दो, 20 × 40 = 2, तो मतलब 1 यूनिट इक्वल्स टू 6 आया। अब इस 6 को ऊपर वाला जो रेशियो उससे मिला दो, 6×4 = 24, 6×1 कितना हो जाएगा 6।
ठीक है ना, ये 24 एंड 6 हो गया आपका, 24 एंड 6 हो गया। अब क्या कर सकते हैं 24 इंटू 6, अब यहां देखो ये वाटर 20 लीटर निकाला था ना, 20 लीटर निकाला था, उसमें से 20% वाटर जाएगा बाहर, जो क्वांटिटी निकाली उसमें से 20% पानी, मतलब 4 लीटर तो वाटर गया और 16 लीटर मिल्क गया, तो 24 तो मेरे पास में अभी अवेलेबल क्वांटिटी है और 16 ये मेरे पास में यहां होगी, तो पहले की क्वांटिटी पूछी उसने 24 + 16 40 लीटर क्या हो जाएगा मेरे पास में, जो पहले क्वांटिटी थी उसमें मिल्क हो जाएगा आपके 40%। तो कैसे करना, यहां से जो वैल्यू आएगी एक यूनिट का उसको उस रेशियो से करना है, प्लस आपको क्या करना है जितनी क्वांटिटी निकाली गई है उसमें आप निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें तो रेशियो मुझे पता है, तो 20 लीटर में से 4 एक रेशियो में निकालेंगे तो 16 लीटर मिक्स जो था वो बाहर चला गया, तो ये 4 लीटर बच जाएगा, 4 एक रेशियो में बचा था, नया रेशियो 12:3 हो गया। अब 20 लीटर हमारे पास में निकाला था वो क्या कर दिया हमने, वापस ऐड कर दिया, तो 24 + 16 अपना क्या हो जाएगा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द। तो ये बहुत आसान तरीका, ये आप नोट कर लीजिए, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस कहां से आया, ये आर मेथड से जो डिफरेंस आया इसको यहां पे आप लिखोगे, देन जितना मिलाया है इनटू जिसको नहीं मिलाया उसका नया रेशियो आपको लेना है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कंटेनर में शुद्ध दूध होता है, ठीक है ना, इसमें से 4 लीटर दूध निकाला गया और उसकी जगह पानी ने ले ली, इस प्रक्रिया को एक दूध और एक एक इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, तो कंटेनर में शेष दूध 12 पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमने शेष क्वांटिटी जैसे भी अपन निकालते हैं तो कैसे करते हैं, x इंटू एक्स माइनस जितना भी हम निकालते हैं डिवाइडेड बाय वापस जितनी क्वांटिटी हो जाती है। तो अब मेरे पास में मैंने x क्वांटिटी मान ली, तो एक बार x में से 4 निकाला है उसने, ठीक है ना, x माइनस 4, ठीक है ना, x माइनस 4 वापिस x हो गया इंटू x माइनस 4 बटे रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी थी 12.8, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x बराबर 12.8x, ये x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस 20.8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10x स्क्वायर माइनस 208x प्लस 160, मल्टीप्लिकेशन पे 160 इंटू 10 1600 चाहिए, ऐड करने पे 208 चाहिए, तो अपना आंसर क्या जाएगा 20 and 8, आपका क्या आ जाएगा इसमें आंसर आएगा 20 and 8, जब फाइनल हम x का वैल्यू निकालेंगे इसमें क्या आएगा x equals to 20 and x equals to 8 ये आएगा। तो अब x equals to 20 तो क्या हो सकता है 0.8, ठीक है ना, तो 0.8 इसको सोल्व करेंगे तो 20 and 0.8 आएगा, जब मेरा 12.8 लीटर बचा हुआ है तो x equals to 0.8 तो नहीं हो सकता, x equals to क्या होगा 20 लीटर, तो इनिशियल जितनी क्वांटिटी थी वो क्या थी 20 लीटर, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर लो, ये नहीं आया तो इसको 200 एंड 8 इसका क्या सीधा देखे तो हम 200 हम यही करता था फैक्टर, जैसे मैंने आपको पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया 200 एंड 8 इसके फैक्टर आए कितने माइनस के, ठीक है ना, जब हम राइट आंसर निकालते हैं तो a का जो भी होता है उसे डिवाइड कर देते हैं और इनके राइट चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो 200/10 क्या हो जाएगा 20 एंड 8/10.8, तो 20 और 8 ऐसे आया। तो ये आपको अप्लाई करना, जो चीज एक क्वेश्चन में सीख लेते हो उसी चीज को दूसरी क्वेश्चन में अप्लाई करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, मतलब ये एक स्टूडेंट के मार्क्स आए, ये दूसरे के आए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 9 नंबर, उनमें से एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, मतलब जिसके ज्यादा आए ना ये कम वाले के और ये ज्यादा वाला, वही ज्यादा वाला आगे रहेगा ना हमेशा, तो ये जो ज्यादा वाले के मार्क्स है ना ये 56% है, जब ये 56% इन दोनों के सम के तो ये कितना होगा 44%, भाई इन दोनों का जितना भी सम होगा उसमें से 56% इसके मार्क्स हैं, तो बचा हुआ कितना होगा 44% होगा ना। तो अब जब मुझे पता है इसके 44% हैं और इसके 56% हैं और इन दोनों का डिफरेंस 9% है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस 12% है, तो ये 9 किसको बताता है 12% को बताता है, मुझे क्या निकालना है दोनों के मार्क्स निकालने 44%, तो एक के 44% है निकाल दो 4 × 3 = 11, तो एक के आएंगे 33, दूसरे के 9/12 × 56, 4 से कटो 3 14 टाइम, तो 14 थी 42,
चलो 33 एंड 42, और 42 इंटू 33 अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 42 इंटू 33। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, आपने को ध्यान में रखना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे आप सोल्व करो, बहुत आसानी से प्री आपका निकल जाएगा। आप सारे परसेंटेज बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको लेके चलिए, डीआई में भी बहुत ज्यादा काम आता है, और सारे जो अर्थमेटिक का 5:1 हो, SICI हो, उसके बाद में आप डिस्काउंट हो, वो कैसा भी क्वेश्चन हो, वो परसेंटेज से आप निकाल सकते हो। तो ये परसेंटेज के क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या करें, वो कह रहे हैं एक कस्बे की आबादी 16%, 3% ये कंटिन्यूअस इंक्रीज बता रहा है, तो कंटिन्यूअस इंक्रीज को 3 को हम क्या 3/100 लिख सकते हैं, 2.5 को 1/40 लिखेंगे, 5% को 1/20। तो इन ये सब याद होना चाहिए। इनिशियल कस्बे की आजादी 160,000 थी, पिछले 3 सालों में इनमें क्रम से इतनी वृद्धि हो रही है, तो वर्तमान जनसंख्या, तो हम इसको जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करते हैं, कैसे लिखते हैं, जब भी आता है तो 100 से पहले साल 103 हो गई, दूसरे साल 40 से 41 हो गई, तीसरे साल 20 से 21 हो गई। अब इनको सोल्व कर लो, ये कितना 8,000 आ जाएगा, 103 इंटू 41 इंटू 21। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, 103 इंटू 41 इंटू 21। अब इनको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब 41 इसको आप मल्टीप्लाई करो, 41 3 से कर लो 63, भाई 3 से करोगे आप तो क्या आएगा 63, 21 63 आएगा, ऑब्वियस बात है। और उसके 2163 को आप क्या करोगे, 41 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 तो वही सेम लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको यहाँ क्रॉस हो जाएगा, 4 3 12 का 2 2, अगेन कैरी 1 हो जाएगा, 4 24 5 2163, इसको हमें करना 41 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 4 4 3 ये क्रॉस हो जाएगा 12, अगेन कैरी 1 हो जाएगा, 6 4 24 एंड 5 2 4 1 4 2 6 8 3 8 6 8 8, ये आपका क्या राइट आंसर है। इसको आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना होगा, इसको आपको आपने कर लिया, इसको ये आपका, इसको हम सोल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, जब भी हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर डी आएगा 177366। इसको आप क्या करोगे, 88683 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, सो अब हमारा 80,000 था, सीधा से पता है ना कैसे आएगा भाई, 80,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 80,000 को, और अपना 88683 है, तो ये 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 83 66, 2 में आ रहा है 6 6 1 7 7 3 6 6, तो आपको देखना पड़ेगा यूनिट डिजिट से, मैंने देखा 3 6 6 आ रहा है, देन 8 8 16 1 17, तो ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी बहुत आसान रहता है। ये जो है ये सीआई में हम करते हैं, सीआई में सेम करते हैं, तो जो कंसेप्ट जहां यूज हो रहा है उसको हम कर सकते हैं। इसको आप वो भी कर सकते थे, 160 से 103/100 हो गया, इसको कैसे कर सकते थे, जो बेसिक मेथड है परसेंटेज का उसमें कैसे करते हैं, उसमें करते हैं, इनिशियली मेरा 160% 160,000 था, इसको 103/100 करोगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद में 102.5/100 करोगे इंटू 5%, 105/100, ये जो फॉर्मूले से करते हैं वो ऐसा करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनल इसको आप सीधा अगर वो परसेंटेज आपको पता है तो वैसा भी लिख सकते थे, 1,60,000 इंटू कितना होगा 3 को हम 103/100, इसको 103/100 ही लिखेंगे, इसको आप जैसे हमने 1/40 लिखा था तो इसको हम 41/40 लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसके बाद में 105 21/20, इसको सोल्व करोगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा 177366, ये सेम कंसेप्ट है। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने डेली डीआई के साथ में अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। फ्रेंड्स मैथ्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैं आप लोगों के लिए वही कंसेप्ट और वही चीज डिस्कस करता हूं जो कि आप एग्जाम में अप्लाई कर सको। मैं यहां सिर्फ वो नहीं कि एक ट्रिक से 2 क्वेश्चंस करवा दिए फिर आप जब करने सोल्व बैठो तो आपके पास में प्रॉब्लम आए। फ्रेंड्स एक्चुअल में जो वर्क करता है वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और यही इंप्लीमेंट करोगे आप तो श्योर डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। एंड
डीआई ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करनी है, सॉल्व करनी है। जितनी ज्यादा डीआई की प्रैक्टिस रहेगी, अर्थमेटिक के कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। तो आप इसके अलावा भी डेली डीआई, एक एक डीआई लीजिए और अर्थमेटिक डीआई लीजिए, जिससे कि अर्थमेटिक के कंसेप्ट वहां अप्लाई करोगे ना आप, तो वो पांच क्वेश्चन एक साथ में, दोनों टॉपिक एक साथ कवर होगे, डीआई की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका अर्थमेटिक का टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब वापस से कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।